स्वागत है गल्लबात रोमांचिक प्रोग्राम दे विच, सॉरी कुल्लड़ प्रोग्राम दे विच। ओ सारा कुछ पुट्टा सिद्धा हो गया अज्ज तां। आओ गल्लबात दा रोमांचिक प्रोग्राम शुरू करिए। ये कोले आया ओ ही दो घर वालियां वाला बंदा अरमान मलिक। मैंने समझ किन्ना ट्रेंड चलिया सी कुल्लड़ पीजे दा ना, जिहड़े सिंगर ने प्रमोशन करनी, जिहड़े एक्टर ने प्रमोशन करनी, मूँह चक्के रेहड़ी ते चल जांदे सी इहनां दे। हुण दुकान लई उत्ते रेहड़ी सी, मतलब दुकान ते चल जांदे सीगे, जाके कुल्लड़ भरन लग जांदे। दस ओए पंजाबी इंडस्ट्री नूं मैनूं हासा आउंदा वी, तां तुहानूं प्रमोशन करन नूं आही मिले, होर की प्रमोशन वाली थां है नहीं जी। जलंधर च कितें स्टेज ला के प्रमोशन कर लिया करो, उत्थे आ जाया करन। आओ जी अजी कुल्लड़ बनावांगे। नीरू बाजवा भी चली, दस हाए हाए हुण नहीं जांदा कोई प्रमोशन करन, की गल फलॉप हो गए कुल्लड़ भाजी? फलॉप नहीं हो, फेमस ज़्यादा हो गए। आओ गल्लां बातां दा रोमांचिक प्रोग्राम शुरू करिए। YouTube चैनल हिंदी च बनाउण लग गए की गल? पंजाबी च नहीं सैट आउंदा काम तुहाडा? पंजाबी च बनाई सी वीडियो, चलदियां घट है। चलो कलेश बाले पै जांदे आ, वीडियो तो बनाउंदे आ बेचारे, फिर इन्होंने सोचा आपां हिंदी च बनाया करिए हुण। सो चलो बथेरे लोग आ पंजाब च बैठे हिंदी च वीडियो बनाई जांदे आ, फिर की हो गया? चलो दस आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। यार पहले हालचाल तो पूछ लो यार। सॉरी हालचाल पूछने को असी की बीमार हुए हैं। हालचाल तो पूछ लो यार, पहले मिलवा लो जिसके साथ जफ़ी डलवानी है आपने, पहले वो डलवा लो। चलो डलवाओ जफ़ी। कृतिका मलिक बर्थडे, अरमान भाई ने बनाया कुल्लड़। आल अरमान भाई भी ना कुल्लड़ बनानी है, फन मस्ती भी की है। अच्छा नहीं, जो बीमार है वो भी तुम्हारी वीडियो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक होंगे तभी वीडियो देखेंगे। कई आखते ऐसे ठीक भी हैं तभी नहीं ताड़ी वीडियो देखते, ये ऐं पोरते ये भी। मैनू ऐ क्यों लगता सारे गुरलाल बाबे दी रिश्तेदारी है, बाबा आखदा है एड्डी रिश्तेदारी तो मेरी। ठीक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हेल्दी हेल्दी फूड खाओ, आप कुल्लड़ पीजे बेच ही जाते हैं, लोगों बर्गर बेच ही जाते हैं, टिक्की। हेल्दी हेल्दी फूड खाओ, जिम जाओ, जैसे कि आपने शुरू कर दिया। ओ माय गॉड, मैंने जिम स्टार्ट किया ना तो जिम का भूत सवार हो गया इसके ऊपर। मैंने और शायद हम दोनों ने ही जिम स्टार्ट किया है, तीन दिन हुए हैं। सो देखते हैं, 60 डे चैलेंज दिए हैं हमने दूसरे को कि रेगुलर जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये जिम जाना भी एक सपना ही होता है कि बंदा सोचता है जाएंगे सपना ही होता है, एक टास्क बोलो टास्क होता है, सुपने नु बड़ा गाँव जिम पहाड़ा चढ़ के जानी है, सुपना ही होता है, उठे नहीं जाता लोगों को सिरे। भाई मैं गल दसदा, जेनुअन गल दसदा, जिम जाना टू मच इंपोर्टेंट है, टू मच इंपोर्टेंट, हर बंदे लिए इंपोर्टेंट है सैर करनी तो जिम जाना, पर जरूरी नहीं कि डोले बनाने तुम्हें वेट ही वेट चक्की जाना, एक्सरसाइज लाओ रोज़ आपका शरीर खोलो पटाके निकल वधिया, जिम इंपोर्टेंट है। हार्ड तो पिज्जा ही है। बाकी आज आज इस व्लॉग में मिलवाने वाले हैं कुछ स्पेशल गेस्ट, सवा स्पेशल है और एक नहीं दो लाड़ा लाड़ा करते फिर सारे गेस्ट हमारे, आप सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सब उनको बहुत प्यार करते। देखो जानते सारे नु, पर जिन्ना तानु लोग जानते हैं आजकल होर किसी नु नहीं कोई जानता, ताड़ी चढ़ाई वखरी है। मैं कहना ताडे यार यार तुसी एड्डा वधिया पिज्जा बनाने हो, तानु कौन नहीं जानता, दिस कमाल होगी। परी आई थी, परी डाउनलोड कर ली, आज आपको हम मिलवाने वाले हैं, रूबरू करवाएंगे। चलो बहुत सारी बातें करेंगे, रूबरू पंजाबी दा वर्ड नहीं, आपको सबसे पहले हमारे पहले गेस्ट से मिलाते हैं, आप जानते हो इनको, पहचानते हो, आपको पता ही है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल अच्छा हूं भाई। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज तक काले दे लगे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं दो जनानियों वाला बंदा और स्वागत है मेरी खबरों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज सब लोग एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए हैं। नहीं भाई, मैं एक्साइटेड था कि मैं सोचा चलो भाई जलंधर जा रहे हैं और हमारे कुल्लड़ पिज्जा भाई से जरूर मिलेंगे और साथ साथ पिज्जा भी खाएंगे। सच में बता रहा हूँ, आज तक मैंने कुल्लड़ पिज्जा नहीं खा के देखा, वो खाएंगे। सारा पंजाब खा गया कुल्लड़, सॉरी
ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਬਣਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ? ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਲੰਧਰ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਵਿਖਾਣਗੇ। तो आप ही ये सरप्राइज ओपन करो। हाँ अभी करते हैं बस। तो गाइस एक काम करते हैं, गोलू और पायल अंदर हैं तो उनको जाके धप्पा करते हैं और उनको दे देते हैं सरप्राइज। दे दे भाई। जी बिल्कुल दे दे मैन। चलो आज बर्थडे भी है ना उनका। हाँ तो आज बर्थडे के लिए सरप्राइज करते हैं, आ जाओ आ जाओ। चलो तो गाइस आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट वाली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ये देखो भैया क्या हाल है लड़कियों। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। तो यहाँ पे कैसे है? यहाँ पे हम गोलू का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। हेलो जी, कैसे हो? ये सरप्राइज तो नहीं बताया आपने। कैमरे मूरे करे सामने तेरे खड़ी है, ये सरप्राइज तो नहीं बताया आपको। इतो ही कमरे चो लंघ के गए है, इतो ही कमरे से गया मैं मिलाता हूँ, सामने वो बैठी है। एडी स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं ना ये। ये सरप्राइज सरप्राइज सी का कोई ये तो कहता कहीं बर्थडे मना लेंगे उसे दस। बहुत ही बढ़िया। तो भाई देखो बातचीत होती रहती है, एक दूसरे को जानते हैं, बट जब मुलाकात होती है तभी इंसान मिलता है। अच्छा लगा मिलके। माइक यहाँ पे। अच्छा लगा मिलके। अच्छा लगा मिलके, उन्होंने मुँह तो आख देना अच्छा लगा, माइक च दसना है ताडे रंब लैने सानू ब्लॉग चलाना। अच्छा लगा मिलके साडा ब्लॉग बनी देना साइड ते इधर ताडा। चलो इंटरव्यू देन देगे। मैं बहुत लोग वेखे जिन्होंने रिश्ते नहीं मैटर करते, आस पास नहीं मैटर करता, उन्होंने सिर्फ कंटेंट मैटर करता, ता ही असं बनाते नहीं, ना ही साढ़े लिए फिर बना मैटर करता, तो ना ही रिश्तेदारियाँ मैटर कर दी। इतना सच नहीं बोलना था। चलो हम अच्छे अच्छे पिज्जा हार्ट शेप कुल्लड़ वो सब हम ले लेंगे। आप पतले वाले ले लेना, ठीक है? टॉप सीक्रेट ले लेना। तो मैं कह रहा था हमारे भाई को कि जल्दी से आपको आना है जीरकपुर, और जीरकपुर आके एक मजेदार सा हम इंटरव्यू करने वाले हैं, और साथ साथ बहुत सारे सवाल जवाब होंगे तगड़े तगड़े। एक तो जेड़ा बेचारे का इंटरव्यू लेंदे है वो भी स्वाद लैन। हाँ जी वो बताइए आपका क्या हुआ था? तुम अंब लेने दस, जो हो गया सो हो गया, उन्होंने छड़ो। फिर जे इन असी सपोर्ट कर दिए फिर आकू गल, तुम सपोर्ट भी तो फिर सुना के की सी लै भरावा। हूँ तू आप ही दस दी भी असं बोलिया करिए ना बोलिया करिए यार, ये भी नहीं चाहता कि नाल खड़े को मेरे कुल्लड़ पिज़्ज़ा बना। देखो मैं चाहता हूँ कि ना जो मेरे सवाल जवाब हैं वो दुनिया के कान खोल दें सच। और मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। डर रहे हो तुम? सानू डराउंदे ही रहिंदे जे, की पता केड़े सवाल जवाब पुछूगा, कान खोल दे, कान तो अगे खोल गए लोगों के। चलो तू भी पूछ ला। सच ऐसा सच सुनाया था मैंने इनको कि मतलब ना चाह के भी आप बोलोगे कि अरमान भाई यू आर राइट, ठीक है ना? गलत है। पॉजिटिव मैन से मिलके पॉजिटिव एनर्जी तो मिलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। आहो तो भैया रखो फिर दो जना नहीं है जे इन्हें पॉजिटिव सपोर्टिव सपोर्ट जो भी लगता तेनू पॉजिटिव मैन से मिलके पॉजिटिव एनर्जी तो मिलेगी। तो नैगेटिव किन मिलिया सी पहला उदू जो नैगेटिव एनर्जी आई सी उद भी मिलिया सी किसी नू? पॉजिटिव मैन से मिलकर तो पॉजिटिव एनर्जी तो आएगी, आए आने लग गई बस फिर तो। हम पूछ रहे थे हमारी बहन से कि हम आपको व्लॉगिंग सिखाएंगे, आप क्या सिखा रहे हो? आपको हम स्वादिष्ट मुझे ना मुझे बस 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 कुल्लड़ पिज्जा बनाना सिखा देंगे, खिलाएंगे और मोटा कर देंगे हमें, ये यही उम्मीद थी। ये अरमान किचन जो स्टार्ट हुई है, अरमान मलिक किचन, तो हम वो जो इतना अच्छा प्यारा सेट बनाया है इन्होंने, किचन बनाई है, वो भी सिखाऊंगा तुम्हें। कहां से? कसम से मुझे, मैं सोचता हूं कि आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग में इनसे लेनी चाहिए। नहीं आपसे आपकी डाइट वाली वो सारी रेसिपीज लेंगे, आपको पिज्जा खिलाएंगे। ठीक है, ये मुझसे ना व्लॉगिंग की टिप्स पूछ रहे हैं। तो आज से करीबन 3 साल पहले की बात है, मैं बिल्कुल भी बोलती नहीं थी। अभी क्या है ना, हमारे जो YouTube चैनल है वो ज़्यादा तुर गए हैं, और थोड़ा सा मैं ज़्यादा हो गई हूँ बी वाला बी शर्म, तो मैं व्लॉग बोल के बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहाँ जाऊँ बस पकाई तो मारनी होती है, लोगों ने कौन सा हमारा व्लॉग और टैलेंट है, हम कौन सा बीराम गढ़िए जो हर चीज़ एक्सप्लोर कर, एक्सप्लोर तो हम करते ही नहीं। किसी ने हमारा जले वाला बाग वाला व्लॉग देख, बहुत गालियाँ पड़ी थी, हमने डिलीट करके माफ़ी मांगी। फिर वेख्या तुझे जले वाले बाग वाले इन्हों का उपरावा ना ही सामने आवे, वो तो होर पता नहीं की छड़ गल्ला करना योग है ही नहीं जो बोलियां। पर अभी क्या ना हर एक चीज में कंटेंट होता है, मतलब कि आपका व्लॉगिंग का मतलब ही ये होता है कि आपको अपनी लाइफ दिखानी है। अगर आप उठे हो कैसे उठे हो, आप उठे हो कैसे उठे हो, व्लॉगिंग का मतलब ये है कि आप 24 घंटे चो 10 मिनट विखाने। हुण गन्ने का जूस जो उन्होंने नचोड़ोगे तो उसका नचोड़ है ना,
मतलब वो तो जूस कटोंगे नचोड़ आहो ये तो नहीं थोड़ा की होंगे पाया गन्ना जूस संतरे निकल जाता फिर कहेंगे लै साढ़े 10 मिनट की जिंदगी किमें 24 घंटे जज कर सकते हो तो जो जूस की घुट भरोंगे जज ना होगा भी गन्ने का कि संतरे का ही उही हिसाब है वो 24 घंटे जो नचोड़ कट के 10 या 15 या 20 मिनट हद अधे घंटे का व्लॉग पाया करो पर यह नहीं हम कैसे उठे हैं हमने कैसे पासा लिया हमारी ढोई में दर्द है या नहीं है चलो 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 कब उठी हो कितने बजे उठी हो अगर आप नहीं खाए करो लोगों को नहीं खाए अगर आपने खाना खाया है तो क्या खाया है क्या बनाया है भैया ने आपसे लड़ाई करी है तो कितनी बार लड़ाई करी है मतलब सब कुछ बता और एक बात और मैं बता देता हूँ कि ना आजकल ना मतलब बहुत सारे हमारी बहनें हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं वो स्नैपचैट से ब्लॉगिंग करते हैं कि भाई मेरा चेहरा बहुत सुंदर आना चाहिए ब्लॉगिंग का मतलब है मुझे ये प्रॉब्लम है भाई बी नेचुरल वाले बंदे मेरे को अच्छे नहीं लगते नहीं 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 अगर आप जैसे हो वैसे दिखाओगे ना तभी आपको लोग पसंद करेंगे प्यार करेंगे और जैसे ही दिखाओगे पसंद ठीक है पर स्नैपचैट का नाम लेना जरूरी सी स्नैपचैट च सेव तो नहीं जी चलो तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन हो रहा है बिल्ली के गुम होने के कारण तो मिल जाएगी अंकल टेंशन ना लो मिल जाओगे इतने नेड़े होगी अंकल तो हॉस्पिटल के बाहर लोग ना चिंता करते उनके घर वाले बाहर आते ठीक हो एस्ट्रोलॉजर से तू बन जा भरावा एस्ट्रोलॉजर तू सारा कुछ तो बन गया वो रह गया तू भी बन जा ये भी बावे दा रिश्तेदारी है बाबा कहना ओ माय गॉड साढ़े रिश्तेदार फॉर्चून आज कौन दे मैंने बोला तू मतलब तेरे घर में ही है बिल्ली और जैसे हम घर से बाहर निकलेंगे ये पहला बंदा पंजाब दा जेड़ा दो जना नहीं वाला सोशल मीडिया ते ओदु बाद एक दो होर आए है खुश थे सब रो रहे थे सब रो रहे थे वहां पे मूड स्पॉइल यार वैसे सोचने वाली गल है हैरानी दी गल है ना दो जना नहीं रह केवें लेंदी इकट्ठियां ए गल जनानियां तो बड़ी ओ हुंदी आ तू वेख्या केवें ओ बुड़ी करनी तू चाक्या केवें ओ कुड़ी करनी ओ तो ही कलेश ने ओ दो जना नहीं इकट्ठियां केवें रही जांदी इक्को बंदे नाल कमाल दी ओ कहंदी ने तू भी खा मैं भी खानी हाँ इंजॉय करा आपकी जिंदगी आप जे कल तेन छोड़ तू अखे होगी मैंने छोड़ मैं अखे होगी तो चंगा आप दोनों ठीक है करना तो आप इंजॉय ही है लाइफ कद फॉर्चुनर कद रेंगुलर चलो मेरे को नहीं परवाह थी मुझे पता थे मिल जाएगी कलेश करने से रोने से कुछ होता हो तो भाई मैं सबको रुलाऊ रो भाई तुम नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो भाई अभी एक तो रोंदा सी फिर पिज्जा पे हम जा रहे हैं और जलंधर तो ये कुल्हड़ पिज्जा होर कोई है नहीं गा अल आ गया अच्छा खड़ी वेखी जिम्मे बुर्ज खलीफा वेख दी होंगी अच्छा ओनू पई है ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਪਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਬਦਾ ਮਾਈਕ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਦੇ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਵਲੋਗ ਤਾਂ ਬਣੇ ਪੈਸਾ ਕਾ ਪੈਸਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਡੀਅਰ सिर्फ सोशल मीडिया सिर्फ सिर्फ सोशल मीडिया कोई थैंक यू नहीं कोई वेलकम नहीं कोई कुछ नहीं जान दो तो गाइस ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे तो मुझे सरप्राइज किया अच्छा लगा पर जिन्ना चर माइक नहीं लगे उदू पहले कोई अच्छा नहीं लगा कह देनी है ना व्लॉग करते हैं बेस्ट बर्थडे है क्योंकि आज मुझे इतने सारे सरप्राइज मिले हैं इतने सारे सरप्राइज मिले हैं और लेके पहुंचा मेरा जलंधर का सरप्राइज ब्रावो जलंधर का सरप्राइज ओ लेटा लेके किधर खड़ा मामा सारे व्लॉग दी जखना पटती ये भी सुख संघेड़े वाला काम इन्ना सुख संघेड़े लेटा वरत नहीं है वरती जाते दस कुल्हड़ भाजी तो पीछे पीछे खुश होंगे चलो आपको कैसा लगा ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना प्यारा मिली बैलून्स केक सब कुछ करा बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच भैया थैंक यू सो मच भैया सो आइए पहले हम केक कट करते हैं ओए व्लॉगिंग वाला बंदा सी के कैमरामैन सी यार जिंदगी है इनदी कोई यार सोशल मीडिया तो सवा इनदी जिंदगी च कुछ नहीं रहना सिर्फ यही रह गया बस
चलो केक कट कर लो आज तो भाई बैठो तुम भी साइड पे तुम्हें भी समोसा एक मिल जाएगा कुल्हड़ तो नहीं खाना ना भैया ले लो खराब करता है गरमाइश ज्यादा गाइस आज मैंने इतने सारे केक काटे ना ये वाला बटरफ्लाई वाला केक पालने में लेकर आया ये लेकर आया तो बहुत अच्छा लग रहा है और गुस्सा आ रहा है चलो यहाँ की पायल एक काम करते हैं इस बार यहाँ की फूक तू मार यहाँ की फूक मैं मारती हूँ फिर देखते कौन जल्दी फूक मारेगा फूको फूकी कंपटी मारे फूक मैं मारती हूँ फूक फूक कौन मारेगा फूको फूकी कंपटीशन चल रही है इतने चलो आओ फूको फूकी कंपटीशन चल हूँ दे दो कुंडे वाला कप इन्हों नू चलो कुंडे वाला कप वही फ्लैश पे डब्बा फटा दो अच्छी सी निकालने के लिए ना चल सारा ही खा गई निकल गई ना कतान तो भाई हम आए थे हमें पिज्जा खाने और हम केक खिलाया जा रहा है भाई हमें ना चल चक के लो काम तो थैंक यू सो मच इतनी तकलीफ करने के लिए ये देखो देखो बेइज्जती मुंह के ऊपर करने वाला और क्या बेइज्जती तुम्हारी मुंह पे बहुत हुई है पहले ही अब एक बार थोड़ी सी और कर दे आप नहीं खादा माँ के पुत ने केक किड्डा चौंतरा है ना खा ला दऊगी तेन नहीं खाने ना ही कृतिका ने खादा काम है ये तो मैं चलो थैंक यू सो मच इतनी तकलीफ करने के लिए थोड़ी बहुत करनी थी पूरी बात तो सुन नहीं 15 मिनट में जितनी हो भाई हमने उतनी कर दी बहुत अच्छा यार मजाक कर रहे हैं मेरे को भेजा ना कि लेने जाओ उसी टाइम में इधर फोन करा इन्होंने फटाफट तैयारी कर ली तो पटाखे बजाओ सारे चलो ये नौ तो बहुत तगड़े है चलो ओ भरावा की यार किसी से जाके थोड़ी गुब्बारे फोड़ी जंदे आज तक छोटे जवाक भी नहीं है काम करदे चलो कित चलिए कुल्हड़ पिज्जा नहीं खाना ये दिवाली भी होगी साथ में चलो बहुत जोश 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 सही है आ भाई बस हाउ द जोश यस सर खा लो हुन प्लेट हमेशा ये सर बोलती हूं हमारी किचन में हमेशा मेरे भैया से खुद कुल्हड़ पिज्जा बनवाएंगे अच्छा नहीं यार एक मिनट लगेगा एक मिनट यार मत मत सिखाओ मैं खाम खाना वहां पे सब कुछ नहीं ये रेसिपी आपको हमारे किचन में देंगे ओ आगे पीछे चंद्र ये रेसिपी आप हमारे किचन में देंगे तुम हमारा कुल्हड़ पिज्जा ब्लॉग बना के तुम अपने चैनल पे चलाओगे चलता फिर भी नहीं तेरा रेसिपी जेड़ा आंदा उत्ते ले जांदा उन कर देना भरों लग जांदा दस पुछण वाला होवे बड़ा सरंग पटनी वाला काम है ये देंगे पर यहां नहीं हैगा इंपॉर्टेंट यार यहां पे सिर्फ आपको हां बने बने सामान को कुल्हड़ करके बेक करना है चलो माइक लगाओ लगा रहने दो आप लगाओ ना आप बोलोगे ना मेरे पास भी लगा हुआ है ठीक है मैं पानी लूंगी एक बार हां मोहितो ले लोगे मोहितो बनवा दूं पानी लूंगी मोहितो उससे प्यास नहीं बुझती मोहितो से पानी से हां पानी तो एक गिलास लेके आऊं इससे फटाफट तो गाइस हम लोग खास बात जो मुझे आवे लगी नीट एंड अच्छा हां तो गाइस किचन तो बहुत नीट एंड क्लीन है बस जिंदगी थोड़ी सी हो गई थी वैसे हाँ बहुत सफाई सफुई करा के रखी पूरी भाई तुम आओ तो कुल्हड़ बनाओ इतने फुल नीट एंड क्लीन काम है पौड़ियाँ तो छिट्टे कहते पे हुए चलो कोई गल पता चलता है कि खाना कैसे होता है तो किचन साफ है तो खाना एकदम नंबर वन है तो हम लोग पहुंच गए हैं कुल्हड़ पिज्जा किचन में और आज भी यहाँ पे क्या से रहे और हो भी सकते हैं ना बिल्कुल मुंह उनके तो चिपकी हुई थी अगर तुझे कुछ हो जाता हम कहाँ जाते तुम अकेली रह जाती ऐश करने वाली उसकी ऐश भी तुम कर लेती तुम्हें कुछ हो जाता एक तो नटंकी है ना जो जे झूठ बोल कर एक दूसरे को की है यार कौन देखता इन्हें ब्लॉग घर चलते बड़े पहले आप फटाफट यहाँ पे इनको कुल्हड़ पिज्जा बनाना बताओ कैसे बनाना फिर पट्टी अच्छा पट्टी ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਅੱਛਾ ਕੜਾਈ ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ ਹੁਣ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਿਖਾਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਾ ਦੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜ
ਪੈਣਾ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੈਸਿਪੀ ਹੋ ਗਈ ਹਮਾਰੀ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢ ਕੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀਚੇ ਹਲਕਾ ਸਾ ਲਿਕਵਿਡ ਚੀਜ਼ ਯੇ ਲੈ थोड़ा सा केचप तो पायल ना इंग्रेडिएंट्स को वॉच कर रही है क्या क्या है तो इसमें ब्रेड की क्रम्स है ना सही बोला मैंने हम एक काम करेंगे जितने भी इसके अंदर सामान डले हुए ना जो हमारा कॉन्सेप्ट है घर वाला
उसमें हम पूरा चेक करेंगे, इनसे एक एक चीज पूछेंगे। ये आ गया इसमें पाइनएप्पल, और इनको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलने देंगे, सारी चीजें रेसिपी चाहिए हमें। हाँ अब इसको हम ऐसे करेंगे पहले से ही करा शुरू से। हाँ आदत पड़ी हुई है इसलिए वो जाती नहीं है। चल जाती नहीं है आदत तो ना इसकी। चाकू से चेक करते हैं। थैंक यू। वीडियो देखते हो इनकी? सारी वीडियो देखी है मलिका आपने इनकी? अरमान मलिक नहीं हो गई थी। अब लास्ट में ये पाइनएप्पल आ गया। अब इसमें जाएगा मोज़रेला चीज़। डन। कितनी जनता आई हुई है। बस जाएगा ओवन के अंदर। ये ऑलरेडी एक बन रहा है ना? हाँ ठीक है। तो ये कुल्लड पिज़्ज़ा मैं बना के बताऊंगा आज। मैं सच बताऊंगा, रील स्टाइल बनाऊंगा, रील स्टाइल। हां सच बताना, ये मैंने बनाना सिखा दिया इसको। जी इन्हीं से सीखा है मैंने, कसम से झूठ नहीं बोल रहा। होर भी बथेरे काम किए, वह भी ये को सीखे है। मतलब कुल्लड़ पिज्जा जो ब्रैड ब्रुड बना लेंगे उदा सारे काम इन्होंने को सीखे भाजी। भाजी कॉन्ट्रोवर्सियाँ बहुत रहे हैं, की चक्कर है? रिवील कर दिया पहले यही था। हाँ राइट, सबसे पहले ये था, फिर रेड था। नाम नहीं बताऊंगा मैं किसी भी चीज़ का। अच्छा पता ही नहीं तेनों, बताएंगे कि छुनछना क्या क्या गया इसमें। फोन ही बड़े होंगे प्रमोशन वाले। ठीक है अच्छा, इनको पता है मैं पाइनएप्पल नहीं खाती ना इसलिए। ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ 1% ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਜੀ ਹਮ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੈ ਆਏ ਹਮਨੇ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਥਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਭਰਾਵਾ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਗਈ, ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਖਾ ਲਓਗੇ ਜੰਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ, ਅਬ ਭਰੇਗਾ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ ਬੇਬੀ ਚੀਜ਼ ਕਮ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਬੀ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਦਤ ਮੈਂ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੂਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਲਿਟਲ ਬੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਦੇ। यही तो चीज थी। ये वाला डालो, ये वाला, ये हाँ दोनों डालनी है यहाँ के ऊपर इसके। कुछ को गया काम इसकी ब्रांड एंबेसडर हम। ये भी डालो, खत्म होया पे सामान। उसके पर हल्का सा चीज नाले कंदी नॉर्मल डालो, नाले कंदी ए फिटनेस फ्रीक ने। मैं बहुत ज्यादा कम है, ये तो दिल खोल के डालना पड़ता है। नीचे नीचे वाले पे रख दो, ध्यान से थोड़ा गर्म होगा। चलो वेरी नाइस। बस अभी कितनी देर लगेगी इसमें? इसमें सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे। अच्छा बाला पना आ गया बन के। बाला तो नहीं पका, कहीं काला ही हो जाए, सड़ जाए। नहीं सड़ा, थोड़ा थोड़ा सड़ा। अरे भाई बहुत आसान था पहचानना, किसी ने नहीं बनाया, सिर्फ ओवन ने बनाया है। फिलिंग तो पहले पड़ी थी डाल के, अभी ओवन भी रखी है। अरमान जी ने कतना अरमान नहीं है। हाँ बहुत कम चीज वाला मैंने बनाया था। अच्छा बहुत आसान है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। कहीं भी बीवी की तारीफ, मतलब ये चीज नहीं बोल रहे कि तीन पिज्जा के बीच में एक सेकंड में बोला कि आपने बनाया, ये तारीफ नहीं कर रहे आप। बहुत बढ़िया, उमदा उमदा, बहुत उमदा उमदा ही है। कोई बात नहीं, अब थोड़ी तारीफ तुम करोगे। हाँ जी हाँ जी, देखो माइक पे उमदा ही है। हाँ ये तारीफ, ये खाने के बाद आप बताओ ना। आओ आगे आओ, ये तारीफ आपके से मुंह से ही होनी चाहिए। भाई हमारी जा तारीफ करो, ये सामग्री तो इसने बना रखी है सारी। हमने तो बस ऐसे ठोक के सामग्री तो भाजी पहले तैयार रख दिया है। बस बन गया तेरा जा जा यार। आप ये वाला भी टेस्ट करो ना साथ में। अच्छा ये भी गल है, डिफरेंट है कुछ चीजों में, सिमेट्री बनी थी ना इसमें। बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है। और देखो पिज्जा तो हम खाते हैं, हेल्दी भी है ये। झूठ बोल रहा है जे। ऐसे तो मैगी वाले भी बोलते हैं हेल्दी है, 2 मिनट में बन जाते। कोक वाले भी यही बोलते हैं, अब ये कहना कुल्हड़ पिज्जा हेल्दी है। पनीर और कार्बोहाइड्रेट फाइबर फूबर लटनम पटनम यो बंद कर दे, ये खा ले पहले, हेल्दी है, स्वाह हेल्दी है। पहली बार जो भी जो मेरा सोच रही थी मैं कुल्लड़ पिज्जा नहीं खाया नहीं, तो आज टेस्ट कर लिया और सच में बहुत ही बढ़िया लगा, टेस्टी लगा, यूनिक चीज लगी। हम अपने किचन में बनाएंगे आपके जन्मदिन पे। आप कहते पूरा खा लेंगे, कहते नहीं नहीं दिमाग खराब है, 2 चमचे खा ले, व्लॉग च बस रखा इनू,
ਖਾਦਾ ਨਿੱਕਾ ਇਹਦਾ ਗਲਾਸ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲੰਘਦਾ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਲੋਕ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨਕੋ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਔਰ ਦਿਲ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਓ ਔਰ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇਹਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਲਥੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਸਲ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸੋ ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਕੁੱਲੂ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਫੇਮਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਭਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ